हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून डबल वन डबल वन मैं हूं आप सबके का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष कैसे हैं आप लोग आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस सो so, आज की जो रीडिंग होगी वो कैंडल वैक्स प्रडिक्शन होगी और कैंडल वैक्स प्रडिक्शन के थ्रू हम देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है ओके okay? देखेंगे उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए क्या सोच रहे हैं वो सो so, एक टाइमलेस रीडिंग है जुनो रीडिंग है आप सबके लिए आप सब देख सकते हैं गाइस बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें अगर आपको पर, पेड पर्सनल रीडिंग्स चाहिए नौ चाहे क्रिस्टल्स चाहिए या चाहिए या रेमिडीज चाहिए एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप में या इंस्टाग्राम में मैसेज भेज सकते हो ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए या फिर कंसल्टेस के लिए ओके सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं अच्छे से चेक कर लीजिएगा और वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा ओके तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को और करेंट uh, फीलिंग्स की uh, जो डिमांड होती है बहुत ज़्यादा होती है बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आते रहते हैं ठीक है मैं बाकी टॉपिक्स पे भी वीडियो बनाती हूँ अगर आपको नहीं दिखा है आप मेरे चैनल पे विज़िट कीजिए मेरे चैनल पे आप जाकर थोड़ा स्क्रोल करोगे तो आपको और भी अलग अलग टॉपिक पर टैरो रीडिंग या कैंडल प्रोडिक्शन मिल जाएगी उसके साथ मेरे सेकेंड चैनल जिसका नेम है मिस्टरसिजम बाई पूर्वा वहाँ पर टैरो रीडिंग एंड एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट के अलावा भी आपको मैनिफेस्टेशन मैजिक स्पेल से रिलेटेड वीडियोस भी मिल जाएंगे तो मेरे सेकंड चैनल को भी विजिट कीजिएगा अगर अब तक आपने नहीं किया है वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा आप स्पिरिचुअलिटी के अंदर बहुत कुछ सीख भी पाएंगे ओके okay? तो ज़रूर आप दोनों चैनल्स को अच्छे से चेक कीजिएगा स्क्रोल कीजिएगा ऐसा बहुत बार आता है कि बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियो आते हैं बट आपको मिल नहीं पाते हैं और आपको जो वीडियो मिलते हैं उसमें हो सकता है आप ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो पाते हो तो उस हिसाब से आप क्या कीजिए कि चैनल पे विजिट कर लीजिए चैनल पे जाकर थोड़ा सा ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा बहुत सारी कंटेंट बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियोस ओके तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग को सो गाइस जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए और एग्जिस्टिंग जो थाट्स है वो दिमाग से हटा दीजिए ओके सो लेट्स सी ओके okay. सो so, देखेंगे कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो जो इंसान आपके दिल में बसे हुए हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है देखते हैं ओके लेट्स स्टार्ट, सबसे पहली एनर्जी आपके पर्सन की तरफ से ये नज़र आ रही है कि ये झूठे दिखावे बहुत कर रहे हैं झूठे दिखावे किस तरीके से ये प्रिटेंडिंग एनर्जी में है कि इनके दिल में कुछ और है और बाहर कुछ और दिखा रहे हैं दिल में लगी है आग लेकिन बाहर यू नो बस एक शांत से इंसान अनबौद ठीक है एकदम शांति में जीने वाले इंसान शो हो रहे हैं सो so, अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि आजकल आपके मन में बहुत तड़प या बहुत यू नो यादें जाग रही हैं इनके प्रति इच्छाएं जाग रही है इन्हें प्यार करने का मन हो रहा है बहुत मिस किए जा रहे हो और ऐसा सोचे जा रहे हो कि बस आप ही ऐसा करते हो आप ही उन्हें याद करते रहते हो आप ही दुखी होते हो उन्हें याद करके उन्हें तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि इनके दिल के अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जो वो एक पर्सन भी बाहर नहीं आने दे रहे हैं ठीक है अपने अंदर उन्होंने छुपा कर रखा हुआ है और करेंट की फीलिंग्स में मुझे यहाँ पर दिख रही है कि ये पर्सन जो है ना उनकी इस तरीके की एनर्जी चल रही है कि करीब तो जाना है लेकिन इजहार नहीं करना मतलब ये इंसान आपको चाहते हैं लेकिन ये सामने से आकर बोलना नहीं चाह रहे हैं कि मुझे तुम्हारी नीड हो रही है या फिर आई वॉन्ट यू ठीक है तो इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है और ये जो छुपाने वाली एनर्जी दिख रही है ना कि अंदर आग लगी है अंदर प्यार बरस रहा है इनके अंदर यू नो आपके प्रति बट बाहर नहीं निकाल रहे हैं अब ये कुछ एक रीज़न की वजह से मुझे दिख रहा है इसमें ईगो नजर नहीं आ रहा है ठीक है लेकिन कुछ तो एक रीज़न है अब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती है बट ईगो नहीं है ऐसा नहीं है कि ईगो को ईगो में आकर ये आपको नहीं बोल रहे ईगो वाली बात नहीं है यहाँ पर कोई और चक्कर चल रहा है ठीक है हो सकता है किसी के इन्फ्लुएंस में हो या कोई प्रॉब्लम में फंसे हों जिसकी वजह से वो जानते हैं कि अगर वो आपको अपने करीब ला देंगे तो उससे आपको ज़्यादा परेशानियाँ होने लग जाएगी ठीक है या फिर आप भी प्रॉब्लम्स के पात्र बनना शुरू हो जाओगे तो कुछ इशू है जिसकी वजह से इनके दिल में तो बहुत कुछ चल रहा है बट ये सामने नहीं आने दे रहे हैं कुछ लोगों ने मुझे ये भी दिख रहा है कि करंटली ये बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं आपके लिए ठीक है लाइक like कुछ सरप्राइज़ या प्रपोजल आ, इस तरीके की एनर्जी दिख रही है आपसे सडनली मिलने आएंगे और इसी वजह से कहीं ना कहीं इस इस पर्सन ने हो सकता है कि जानबूझकर आपसे झगड़ा किया है या फिर बातचीत को कम कर दिया है ये मुझे कुछ लोगों के लिए नजर आ रहा है सबके लिए नहीं कहूँगी लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप कुछ दिनों से आपके पर्सन थोड़े से हो सकते हैं कि बहुत बियड वियड बिहेव कर रहे हैं हो सकता है कि यू नो ढंग से बात नहीं कर रहे हैं या लेट रिप्लाइज दे रहे हैं या यू नो झगड़ा कर रहे हैं बेवजह का रूड हो रहे हैं तो ये मुझे दिख रहा है कि ये नाटक कर रहे हैं आपके पर्सन क्योंकि वो जानते हैं कि जब वो आपसे दूर जाने का नाटक करेंगे और आप सैड हो जाओगे फिर जब वो आपको अचानक से सरप्राइज दोगे तो उसका मज़ा कुछ और होगा ठीक है तो कुछ लोगों के लिए टेन पर्सेंट लोगों के लिए मुझे गारंटीड दिख रहा है तो अगर आपको अपने पर्सन में कोई नेगेटिव चेंजेस नज़र आ रहे हैं सडनली मतलब कुछ हुआ नहीं है सच लेकिन फिर भी आपको दिख रहा है कि ये पर्सन अजीब से बिहेव कर रहे हैं तो समझ लीजिएगा बहुत जल्दी आपके पर्सन आपको कोई ना कोई एक सरप्राइज़ देने वाले हैं जिसकी प्लानिंग वो कर रहे हैं और प्लानिंग का हिस्सा है कि वो आपसे गुस्सा करे जान कर ठीक है तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है बाकी लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये इंसान डेफिनेटली आपको याद कर रहे हैं आपको चाह रहे हैं इनके मन में एक आग लगी हुई है ठीक है आग आपको करीब पाने की ठीक है यू नो वॉट आई मीन ठीक है इस तरीके की एनर्जी दिख रही है कि आपके प्रेजेंस को फील करना चाह रहे हैं फिजिकल फॉर्म में आपके पास आना चाह रहे हैं ठीक है थीके? बट कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं हम सामने से जाकर ये चीज़ को बता नहीं सकते ये सही लगेगा या नहीं या हमें इतना करीब आना चाहिए भी या नहीं इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन इस पर्सन के दिल दुण दिमाग में चल भी रहे हैं बट दे आर टोटली ऑप्टिमिस्टिक ठीक है मतलब प्यार है तभी वो इस चीज़ को सोच पा रहे हैं ना अगर प्यार नहीं होता तो वो क्यों सोचते आपके लिए इतना वो क्यों महसूस करते है? वो आग उनके मन में जागती ही नहीं आपके प्रति तो ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है ठीक है और आपके पर्सन की ऐसी भी इच्छाएं मुझे दिख रही है कि कुछ हो जाए अचानक से कि या तो आप ही उनके करीब आ जाओ या ऐसे कोई पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो जाए कि आप दोनों अपने आप करीब आ जाओ ठीक है इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है तो खुद कुछ करना नहीं चाह रहे हैं लेकिन ज़रूर ये ज़रूर चाह रहे हैं कि कुछ चमत्कार हो या फिर आप अपने तरफ से कुछ इनिशिएट कर दो ठीक है ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है और बाकी लोगों का तो मैंने बता दिया टेन परसेंट लोगों का कि सरप्राइज़ देने के लिए आपसे दूर भाग रहे हैं बट इन्हें पता है कि ये जब आपको सरप्राइज़ देंगे तो सब कुछ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा और आप समझ भी जाओगे कि यह सब एक ड्रामा था ठीक है सो so, बाकी लोगों के लिए मुझे डेफिनेटली नजर आ रहा है कि आपके पर्सन को कोई एक थॉट रोक रही है इनका ईगो नहीं है बीच में इनका दिमागी मेंटल प्रॉब्लम्स नहीं नज़र आ रहे हैं लेकिन हाँ थोड़े बहुत डाउट्स नज़र आ रहे हैं कि बोलना सही होगा कि नहीं जाना चाहिए या नहीं इतना प्रॉब्लम मैं कह सकती हूँ या फिर कोई और मेजर प्रॉब्लम जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम या लाइफ में कोई और दिक्कतें चल रही हैं फैमिली इशू है या कुछ है तो इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं बट मन में तो मन में यू नो लड्डू फूट रहे हैं आपके पर्सन के आपके लिए क्योंकि दिस पर्सन इज़ लिटरली डे ड्रीमिंग अबाउट यू टू तो बी ऑनेस्ट टू तो बी ऑनेस्ट बहुत अच्छी फीलिंग्स हैं मुझे लगता है कि ये फीलिंग्स अगर बाहर आ जाती ना तो आप दोनों के बीच में बहुत अच्छा खासा रोमांस हो जाता है और बहुत मतलब लवेबल फील करते हैं आप दोनों एक दूसरे के लिए लेकिन ये बाहर नहीं ला रहे हैं आपके पर्सन अगर आपके पर्सन थोड़ा सा बाहर लाने की थोड़ी सी हिम्मत करें ना तो मुझे लगता है कि आपके मन में भी जो डाउट्स है या जो डर है प्यार का कम होने का या कुछ भी वो सब ठीक हो जाए वो सब हील हो जाए ठीक है लेकिन आपके पर्सन हैं ही कॉम्प्लिकेटेड वो कुछ भी चीज़ों को ईजिली करेंगे ही नहीं सीधे साधे रास्ता वो अपनाते ही नहीं है ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है ठीक so, है सो आपके पर्सन जो हैं बहुत ही बहुत ही अच्छे अच्छे फीलिंग्स में हैं बस इतना है कि नो 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 मैं नहीं जताऊंगा या मैं नहीं जताने वाली अगर सामने से उस तरीके की बातें आती हैं या कम्युनिकेशन होता है तो आई विल थिंक ऑफ इट तो शायद मैं बता दूं जता दूं ठीक है या फील करवा दूँ इस तरीके की एनर्जी तो थोड़ी सी शैतानी वाली एनर्जी आपके पर्सन के मन में चल रही है बदमाशी कर रहे हैं आपके पर्सन आपके साथ ठीक है तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है जैसे होता है ना हाइड एंड सीक कि आप जानते हो कि सामने वाले को क्या चीज़ की क्रेविंग है सामने वाला चाहता है कि यू नो जो छुपा हुआ है उसे वो ढूंढ ले लेकिन जो छुपा हुआ रहता है उसे पता है कि नहीं अगर वो जल्दी ढूंढ लेगा तो मज़ा किड़किड़ा हो जाएगा ठीक है तो ऐसे भी फीलिंग आपके पर्सन की चल रही है बदमाशी वाली कि उन्हें पता है कि आप चाहते हो कि वो इंसान प्यार जता है या आपके साथ रोमांस करे या कोई प्यारी प्यारी बातें बोले या अपने दिल की बातें कहे तो आप उस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं तड़प रहे हो ठीक है आप बस चाहते हो कि बस इतना बोल दे और आपके पर्सन को कहीं ना कहीं आइडिया है कि आप इनसे ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो या फिर आप डेस्परेटली uh, चाहते हो कि ये इंसान अपने दिल की बातें बोले या कुछ स्पेशल फ़ील करवाए आपको या कुछ करे आपके लिए तो वो जानते हैं कि अगर वो इजीली बोल देंगे जता देंगे तो शायद यू नो उसमें उतना मज़ा नहीं होगा जितना आपको तड़पाने में है तो कहीं ना कहीं इनके बदमाशी वाली फीलिंग्स भी दिख रही है मुझे जिसके वजह से ही और ज़्यादा प्रिटेंड कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो प्रिटेंड करेंगे कि वो आपके बिना खुश हैं या यू नो आपसे दूर रहकर भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो आपके मन में ज़्यादा तड़प होगी ज़्यादा प्यार बढ़ेगा इनके प्रति ज़्यादा इन्हें चेज करना चाहोगे ठीक है तो वो थोड़ा सा यू नो हाइड एंड सीख वाला एनर्जी में दिख रहे हैं हाइड एंड सीख खेलना चाहते हैं बदमाशियाँ कर रहे हैं लेकिन दिल से ज़रूर जानते हैं कि ये आपसे ज़्यादा तड़प रहे हैं आपके पास आने के लिए ठीक है डिफरेंस बट इतना है कि आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हो आप ज्यादा छुपाना प्रिफर नहीं करते और ये इंसान जो है बदमाशी करते रहते हैं तो यही आपके पर्सन की करंट की एनर्जी में मुझे दिख रहा है तो जितना आप उन्हें कॉल मैसेज करते जाओगे करते जाओगे वो उतना आपका मजा लेंगे क्योंकि नॉट इन अ बैड वे बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत खुश होंगे कि वाह आ, देखो ये मेरे बिना नहीं रह पा रहा या नहीं रह पा रही है ठीक है सो अगर आप चेस करो ना चेस करना बंद कर दो क्योंकि जितना आप तड़प रहे हो उससे कई गुना ज़्यादा आपके पर्सन आपके लिए तड़प रहे हैं ठीक है थीके? लेकिन वो तभी आपको कॉन्टैक्ट करेंगे आ, या यू you नो know, आपके तरफ आएंगे इनिशिएट करेंगे जब आपके तरफ से एनर्जी जाना बंद होगा क्योंकि अगर आप ही उन्हें मैसेज कॉल करते रहोगे बार 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 तो, तो वो देखेंगे कि हाँ आप तो हो ही आपकी एनर्जी तो उन्हें मिल जाएगी ना बट आपको उनकी नहीं मिल पा रही है ठीक है और ये बदमाशी कर रहे हैं तो फिर आपको भी थोड़ा सा बदमाश होना पड़ेगा ठीक है आपको भी अपनी एनर्जी को रोकनी पड़ेगी तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है बट येस गाइज अगर आप लोग एक अच्छे कनेक्शन में हो और कुछ दिनों से कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो डोंट वरी आपके पर्सन आपको सरप्राइज़ देने के लिए ये सारा नाटक कर रहे हैं ये मैंने बता दिया उन लोगों के लिए बाकी लोगों के लिए मैंने बता दिया कि कैसे क्या करना है ठीक है तो आपके पर्सन की फीलिंग्स डेफिनेटली चाहे किसी भी सिचुएशन में आप हो बहुत बहुत अच्छी दिख रही है बस प्रॉब्लम इतना है कि इनिशिएट करना चाहिए उन्हें जबकि वो बदमाशी करने में लगे हुए हैं दबा कर छुपा कर रखने में लगे हुए हैं प्रिटेंडिंग करने में लगे हुए हैं ओके सो भाई ये थी आप लोगों की रीडिंग आई होप आपको पसंद आए ठीक है so, सो इस कैंडल को मैं साइड में कर देती हूँ पूरा मेल्ट होने दूँगी सो so, चलिए आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स तो हमने देख लिया अब हम आपकी भी थोड़ी सी फीलिंग्स चेक कर लेते हैं कि आपकी भी करंट फीलिंग्स कैसी है ठीक है इसे मैंने साइड में कर दिया है थोड़ी सी आपकी भी देख लेते हैं कि आपकी करंट फीलिंग्स आपके पर्सन को लेकर क्या है वी हैव सिक्स ऑफ क्विंस वी हैव द मून We have three of coins. कॉइन्स बॉडन रिक्स we have the sun card. Okay, सो so, आपकी करेंट फिलिंग्स में मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप होपफुल हो इस वक्त ठीक है आपके मन में बस यही चल रहा है कि आपके पर्सन कुछ एफर्ट डालें तो आप उसका दस गुना उन्हें वापस करो ठीक है मतलब आप बस सही वक्त का वेट कर रहे हो कि कब आपके पर्सन आपके लिए कुछ करेंगे एंड उससे भी ज़्यादा आप उनके लिए करोगे तो आपकी आप अभी गिविंग एनर्जी में हो बट आप चाहते हो कि थोड़ा बहुत तो आप अपने पर्सन से भी रिसीव करो तो आपका भी करेंट की एनर्जी मुझे दिख रही है कि आपको अपने पर्सन को प्यार करने का बहुत मन कर रहा है उनके साथ टाइम गुजारने का मन कर रहा है उनको स्पेशल फील करवाने का मन कर रहा है उनके लिए एफर्ट डालने का मन कर रहा है लेकिन आप चाहते हो कि एटलीस्ट आप को कंसिडर किया जाए आपके फीलिंग्स को और आपके पर्सन आपके लिए कुछ इनिशिएट करें कुछ एक्शन लें कुछ एफर्ट डालें सो दैट जो जो प्लानिंग प्लॉटिंग आपने करके रखा है उन्हें स्पेशल फील करवाने के लिए उसे आप एग्जीक्यूट कर सको ठीक है और आल्स मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके मन में कोई भी नेगेटिविटी नहीं है इस वक्त इस रिश्ते को लेकर अच्छा सोच रहे हो आपको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं आपको अननेसेसरी टेंशन नहीं लेना है ठीक है आपके मन में बहुत सारे डाउट्स चल रहे हैं टेंशनस है, है रिश्ते को लेकर इंसान को लेकर ले लेकिन आप पॉजिटिविटी पर ध्यान देना चाह रहे हो आप ऐसा चाह रहे हो कि जब तक कुछ सही में आँखों अपनी आँखों से नहीं दिखता तब तक हम कोई भी ओवर या नेगेटिव थाट्स नहीं रखेंगे इस रिश्ते से रिलेटेड और इस इंसान से रिलेटेड तो कहीं ना कहीं आपने प्रॉमिस करा है और करेंटली आप यही सोच रहे हो कि जो भी हो रहा है उसे हम होने देंगे अननेसेसरी टेंशन अपने ज़िंदगी में नहीं घुसाएंगे अननेसेसरी ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे जिससे हमारी खुद की पर्सनल लाइफ बेकार हो तो कहीं ना कहीं यू आर प्रायोरिटाइजिंग योर हेल्थ योर मेंटल स्टेट योर इमोशनल स्टेट एंड कहीं ना कहीं आप चाह रहे हो कि आप अपने लाइफ में ज़्यादा फोकस करो और अच्छे चीज़ों को आकर्षित करने की कोशिश करो और इस रिश्ते को लेकर भी अच्छा सोचो जब तक आपको कुछ बुरा नहीं दिखता इस रिश्ते से रिलेटेड रियल लाइफ में तब तक आप डाउट नहीं करोगे इनसिक्योर नहीं होगे डर में नहीं जियोगे आप कॉन्फिडेंट रहोगे इस इंसान को लेकर अपने प्यार को लेकर इस रिश्ते को लेकर और इस रिश्ते में सेल्फलेस selfless, सेल्फलेसली यू uh, नो you एफर्ट्स know, डालोगे प्यार डालोगे लेकिन थोड़ा सा प्यार आपको अपने पर्सन की तरफ से चाहिए थोड़ा सा इनिशिएशन आपको चाहिए आप बस वेट कर रहे हो कि यार इसके तरफ से कोई एक कॉल आ जाए कोई एक मैसेज आ जाए या कुछ मुझे रिस्पॉन्स मिल जाए तो मैं इस इसके लिए सब कुछ करूँ ठीक है मैं सब इस रिश्ते को ठीक कर लूँ या फिर मैं इस रिश्ते में प्यार बढ़ा दूँ लेकिन मुझे थोड़ा सा सामने से एनर्जी चाहिए तो इस चीज़ की वेटिंग एनर्जी में आप कहीं ना कहीं हो आप सब कुछ की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हो मुझे दिख रहा है एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे आप खुद में स्टेबल फील कर रहे हो रेस्पॉन्सिबल फील कर रहे हो लविंग फील कर रहे हो लेकिन हाँ आप अपने पर्सन की तरफ से कुछ जेस्टर्स लव थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहे हो ताकि आप इन रिटर्न उन्हें और भी प्यार दे पाओ ऐसी आपकी करंट फीलिंग्स यहाँ पर चल रही है ठीक है ये एक जनरल रीडिंग है बट स्टिल मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे आपकी फीलिंग्स इसी तरीके से दिख रही है ओके okay. आप पर्सनल रीडिंग्स भी ले सकते हो अगर आ, आ, आपको एकदम अपने लिए पर्सनलाइज क्लियर आंसर्स प्रेडिक्शंस चाहिए तो उसके लिए आप पेड पर्सनल रीडिंग्स ऑप्ट कर सकते हो कंसल्टेसन्स के लिए व्हाट्सअप नंबर पर इंस्टा आई डी पर मैसेज कर सकते हो आप ठीक है पर्सनल रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपकी होती है उसमें कोई बाहर की या किसी और की एनर्जी शामिल नहीं होती है ठीक है सबसे पहले है आपके पर्सन के तरफ से ये सॉन्ग है जो आपके पर्सन आपको डेडिकेट करना चाहता है वादा है ये एक एल्बम सॉन्ग है अर्जुन का आप लोग ज़रूर सुनिए ठीक है बहुत अच्छा प्यारा सॉन्ग है आप सर्च करोगे ना वादा है बाय अर्जुन तो आपको ये सॉन्ग मिल जाएगा ठीक है सॉन्ग के लिरिक्स बहुत प्यारे हैं और इस लिरिक्स से मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन आपसे दूर नहीं जाना चाहते ठीक है ठीके? जो इनकम्प्लीटनेस दूरिया है दूरियाँ हैं उसे मिटाना चाहते हैं और आपको बताना चाह रहे हैं कि, कि किसी और के वो नहीं होंगे अगर वो आपको नहीं पा सके तो वो किसी और के भी नहीं होंगे यूर वन आर ग्रैव योर बेबीज दो दे आर हे ड्रीमिंग अबाउट यू आर लॉर्ड दे आर फीलिंग पैशनेट सेक्शुअल टूवर्ड्स यू वाई यू आर लाइक दिस तो कहीं ना कहीं आप भी हो सकता है इनके साथ बदमाशी कर रहे हो गाइज क्योंकि uh, आपके अंदर भी उन्हें कुछ ना कुछ चेंजेस नज़र आ रहे हैं विच इज़ मेकिंग दैम फील क्रेजी ओके यू आर माई बेबी माई सनशाइन एंड वॉट नो डेफिनेटली अभी ये आपके पर्सन बहुत रोमांटिक मूड पर मुझे नज़र आ रहे हैं आपके लिए बहुत सोच रहे हैं फील कर रहे हैं इमेजिन हैं योर एबसेंस मेक मी सो अलोन प्लीज डोंट लिव मी ठीक है तो वो समझ चुके हैं कि आप उनके सोलमेट हो आप उनके ट्रू कंपेनियन हो और आपके बिना वो अकेले से ही फील करने लगते हैं माई बेबी माई जान माई वर्ल्ड माई वाइफी माई हबी माई एवरीथिंग तो बहुत सारे प्यारे प्यारे आ, कुछ ही निक नेम्स से इंसान आपको बुलाना चाहते हैं ठीक है मुझसे शादी करोगे तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली गाइज सरप्राइज आ रहा है आपको सडन सरप्राइज मैरिज प्रपोजल इस इंसान से मिल सकता है सो बी रेडी ओके सो गाइज़ ये थी आप लोग की रीडिंग आई होप आपको पसंद आएगा पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब और एनर्जाइज जेम स्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सअप नंबर पर इंस्टा आई डी पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो गाइज़ ओके तरह तरह के क्रिस्टल्स स्टोन्स फॉर लव लाइफ करियर मनी हेल्थ ब्यूटी सेवन चक्रा हीलिंग पॉजिटिविटी लाइफ प्रोटेक्शन कॉट कटिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा के लिए आपको क्रिस्टल्स जेम स्टोन्स आपके लिए परफेक्ट मिल जाएगा प्लानट्स के अकॉर्डिंगली राशि के अकॉर्डिंगली भी आपको आपके लकी स्टोन बर्थ स्टोन्स भी मिल जाएंगे जो कि आपके लाइफ में बहुत बेनिफिट्स दे सकते हैं अगर आप सही तरीके से वेयर करते हो तो कोई भी डिटेल्स इंफॉर्मेशन चाहिए व्हाट्सअप में इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कीजिए एक्टिवेटेड मिस्ट वगैरह चाहिए फॉर मैनिफेस्टेशन अट्रैक्टिंग थिंग्स उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो तो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस तब तक के लिए बाय